अच्छे होंगे हमको। और मैं आ गई हूँ वॉक करने के लिए थोड़ी देर धूप में। ज़्यादा वॉक तो नहीं करूँगी आज, क्योंकि आज मंडे था, फास्ट है मेरा, तो इसीलिए थोड़ी देर धूप में रह लेती। धूप बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए धूप मिल रहा है तो फिर रहना सही है। गाइज़ आज मंडे है तो मंडे का मेरा फास्ट रहता है, तो बस भगवान जी का पूजा कर लेते हैं। मैं तो यही मानती हूँ कि कर्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हम करते हैं। पूजा भी इम्पोर्टेंट है, वो भी हमको सुकून देता है, तो बस अच्छा कर्म करते रहिए। भगवान है आपके लिए, सबके लिए। तो गाइस पूजा कंप्लीट हो गई, बस पूजा हो गई। अब मैं कुछ खा लेती हूँ, फ्रूट्स चाय, अब मज़ा आएगा चाय पीने में। भगवान जी का पूजा करने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून मिलती है। तो ये मेरी चाय बन गई है, इधर अदरक कूटने का काम चल रहा है। जितना अदरक को हम कूटते हैं ना, उतना ज़्यादा चाय में टेस्ट आता है। अदरक का उतना ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। तो अच्छे तरीके से कूटने के बाद फिर चाय में डालने से बहुत टेस्टी लगता है। चाय बन रही है, किचन अभी गंदा ही है, इसको भी साफ़ ही करना है, बर्तन साफ़ करना। थोड़ी देर बाद चाय पीने के बाद फिर देखती हूँ बाद में। तो गाइस चाय रेडी है, चाय पहले पानी पी लेती हूँ। मज़ा आ गया चाय पीकर, अदरक वाली चाय। हर रोज़ तो नहीं पीती हूँ, कभी कभी पीती हूँ चाय। पहले हर रोज़ पीती थी, लेकिन अब नहीं। जब मूड होता है तब, वैसे एक बार तो पी लेती हूँ बीच में गैप करके। कुछ काम नहीं है, सोच रही हूँ ऑनलाइन शॉपिंग कर लूँ। पहले जब ऑफिस होता था तो वीक में 2-3 कपड़े तो ले ही लेती थी, ऑनलाइन शॉपिंग ही चलता था। अब तो कुछ है नहीं, कहीं जाना है नहीं, तो ज़्यादा शॉपिंग करके भी क्या होना है। अभी मैं ऑनलाइन शॉपिंग करूंगी, मिंत्रा से करूंगी। तो गाइस 3 बज रहे हैं अभी और मैं
मैं सोची कि मैं कुछ खा लूँ। फ्रूट्स और चाय तो पी चुकी हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैं सोची मूँगफली खा लूँ। मूँगफली खा रही हूँ, रोस्ट करके सिंपल। हल्का हल्का दर्द है, उसके बाद फिर चाय पीऊंगी, उसके बाद दर्द खत्म हो जाएगी। मेरे को लग रहा है ऐसा, फास्ट में ज़्यादा ही खाना चाहिए फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि तो हम सॉल्ट वगैरह नहीं खाते ना, इसलिए ताकि बॉडी में किसी चीज़ की कमी ना हो। वैसे वीक में एक दिन फास्ट करना अच्छा रहता है, वो तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं, कुछ सोचे रहते हैं तो फास्ट करते हैं उसके लिए। तो बस यही है, शॉपिंग भी हो गई मेरी ऑनलाइन, मुझे लग रहा है मेरा लैपटॉप भी आने वाला है, वीडियो बनाना सक्सेसफुल रहा। हेलो दोस्तों, तो मैं ऑफिस से आ चुका हूँ, डिनर करने बैठे हैं। आज वाइफ का फास्ट है, तो वो देखिए ऊपर बैठी हैं पालथी मार के, और वो अपना जो फ्रूट्स होता है वो खाएंगी, और मैं मेरे लिए स्पेशल बनाए पराठे और चने। चना घुगनी जो बोलते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होगा घुगनी शायद क्या होता है, जो चने का ग्रेवी वाला होता है ना, तो उसे है बिहार यूपी और झारखंड की तरफ घुगनी बोलते हैं, घुगनी जो कि बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा है, खाए तो मज़ा आए, जो ना खाए वो पचता है। ओ गलत हो गया, तो ठीक है अब मैं खाता हूँ, मिलते हैं खाने के बाद। कुछ दिन पहले मेरी धर्मपत्नी ने आपको दो लैपटॉप दिखाया था, जो कि एक तो मेरे कॉलेज टाइम का है, एक मेरे जॉब टाइम का है। दोनों जो कॉलेज टाइम का था वो बाबर के ज़माने का था, जैसा आपने टैगलाइन पढ़ा होगा, और दूसरा लेनोवो का था। तो ये दो बहुत पुराने हो चुके थे, जो मेरे अभी जिस टाइप का डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली बीवी ने उस वीडियो में बोला था कि अगर मैं वीडियो बना दूं तो शायद ये चेंज हो जाए, तो सच में वो दिन आ गया है। हम लोग ने न्यू लैपटॉप लिया है, जिसका अनबॉक्सिंग मेरी धर्मपत्नी करेगी, क्योंकि ये इन्होंने ही बोला यार पुरानी चीज़ निकालो, तो मैंने भी सोचा यार ले लेते अपग्रेड करते हैं। तो ये रहा न्यू लैपटॉप, इसका अनबॉक्सिंग रिवाइव कर रही है, जाइए अगरबत्ती लाइए। अगरबत्ती भी दिखा पड़ेगा लग रहा है। ये है आसुस का वीवो बुक 15 प्रो। ओके, तो
ये है अपना लैपटॉप। इसमें डिटेल मैं आपको बाद में शेयर करूंगा क्या क्या है इस बॉक्स में। फिलहाल ये देखिए, ये है स्लिम है, स्लिम है, लाइट है, और इसके स्पेसिफिकेशन मैं आपको बाद में दूंगा कि क्यों मैंने ये लैपटॉप चूज किया, इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है। आपको भी जिनके पास जो आगे लैपटॉप परचेज करना चाहते तो क्या देख के परचेज करें, ये मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन इस व्लॉग में नहीं, इसके लिए स्पेसिफिक व्लॉग बनाऊंगा, उसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेलिंग कि जो किस लेवल का एडिटिंग आपको चाहिए और किस लेवल का एडिटिंग के लिए क्या लैपटॉप चाहिए, वो मैं आपको कंप्लीट डिटेल दे दूंगा बाद में। तब तक के लिए मेरी द्रौपदी ने कर दिया इसका उद्घाटन, अब चालू होगा। तो लाइफ सेट है, लाइफ सेट है यार, लाइफ सेट है। चलिए तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बोलिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं।